ओम शांति। आज की तारीख है 8/1/23 और आज हम सुनेंगे प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली रिवाइज कोर्स की तारीख है 23/4/93 93 की मुरली है और आज की मुरली का शीर्षक है निश्चय बुद्धि भव अमर भव। हाँ, वरदान मिले हैं दो मुख्य, एक तो निश्चय बुद्धि, जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो विजय को ही सदैव प्राप्त करते हैं, ये निश्चित है, और जो विजयी होते हैं वो अमर बन जाते हैं, यानी उनकी महिमा उनकी गाथा अमर रूप से लोग सुनते हैं और सुनाते हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। मीठे मीठे बाप दादा बोले कि आज बाप दादा सर्व अति स्नेही आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी अनेक प्रकार के आए हुए भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन पार करने वाली आदि स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आए हैं। निश्चय की सब्जेक्ट में पास हो तो निश्चय की सब्जेक्ट में पास हो चलने वाले बच्चों के पास आए हैं। ये निश्चय चाहे इस पुरानी जीवन में चाहे अगले जीवन में भी सदा विजय का अनुभव कराती रहेगी। निश्चय का अमर भव का वरदान सदा साथ रहे। विशेष आज जो बहुत काल की अनुभवी मूर्त बुजुर्ग आत्माएं हैं और दूसरी तरफ आप अनुभवी आदि आत्माएं इस पांडवों के किले की दीवार की पहली ईंट हो। जो भी बुजुर्ग हैं वो फाउंडेशन और फिर बाकी सभी उस किले की फाउंडेशन की जो दीवार बनी उसकी पहली ईंट है। फाउंडेशन भी सामने है और आदि ईंटें जिनके आधार पर ये किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बना वह भी सामने है। तो जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हजूर हाजिर करके दिखाया ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना। कभी भी व्यर्थ मन मत व परमत पर परमत कभी भी व्यर्थ मन मत व परमत नहीं मिलाना। अच्छा, अब क्या सुनेंगे? अब हम सुनेंगे वरदान सतगुरु अव्यक्त बाप दादा के द्वारा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। बाबा कहते हैं कि बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे तो ये तख्त हुआ
याचिता। क्या हुआ? भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी। बेफिक्र बादशाह हो गए तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देखते रहो कि वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। इसी फकुर में रहो तो सब फिक्राते चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति के द्वारा रूहों का आवाहन कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।